हेलो एवरीवन आज मेरे पास एक ज़बरदस्ती मार्कशीट है पर स्क्रीन पे शायद देख के आपको लग रहा होगा कि ये मैम किया है कुछ गलत तो आपसे ओपन नहीं हो गया है मार्क्स अगर हम देखें तो 32 27 टोटल भी 133 थर्टी थ्री एग्जाम स्टेटस नॉट कंप्लीटेड तो अगर आपने भी ऐसा कुछ पेनफुल रिजल्ट एक्सपीरियंस किया है या नहीं करना चाहते हो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर यू माय डियर बिकॉज टुडे आई हैव विद मी अ सीएमए इंटर स्टूडेंट तेजस हैज़ प्रूव्ड दैट फेलियर इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस दिस यंग बॉय माय डियर है अभी का जाने दो हैड स्कोर्ड अगर मैं बोलू थर्टी टू इन लॉ जो आपको दिख रहा है And now he has created history by achieving an exceptional score of 80 marks, which is a dream for many So come, let's have a quick interaction with him and take inspiration and strengthen our thoughts for a limitless success. Welcome, Tejas. First of all, congratulations for being one of my highest scorers of law, and I'm so very proud of you. राइट तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ठीक है तो जब आपका पहले रिजल्ट आया था वी ऑल नो दैट सम इन द पास्ट बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं था तो कैसा फील हुआ था एक्चुअली सडनली आफ्टर सीइंग माय फर्स्ट रिजल्ट मैम आई थॉट दैट वेदर आई कैन मेक दिस पॉसिबल और नॉट एक्चुअली आई आई स्टार्टेड माय सीएमए जर्नी Uh, while watching uh, means i started my cma journey uh, by watching your videos also ma'am okay. earlier uh, i had taken the offline classes okay so i didn't uh, you know, focus much on uh, the studies also suddenly after seeing some success stories uh, in your uh, uh, channel uh, i um, started to think uh, i think i am not capable to

नहीं जैसे रिजल्ट आता है तो अक्सर बच्चे क्या होते हैं दे गेट शैटर्ड कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा एंड दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम मतलब कभी-कभी मैं देखती हूँ कि वीक्स लग जाते हैं स्टूडेंट्स को टू कोप अप कि नहीं यार ऐसा हो गया है मेरे साथ हुआ है माय रिजल्ट वाज नॉट पॉजिटिव सो हाउ लॉन्ग डिड यू टेक मतलब कब आपको लगा कि नहीं यार अब इसको छोड़ो एंड आई हैव टू वर्क हार्ड सडनली आफ्टर सीइंग द रिजल्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट मैम मॉर्निंग They uh, released the uh, re result in morning or early morning. Okay. After seeing the result, uh, I felt very bad. Suddenly, I switched off the phone and uh, stayed in my PG. Actually, at that time, I was in Bangalore, man. Uh, in I PG, okay. I was uh, taking classes. for group two also? Okay. Uh, suddenly, I switched off the phone. Uh, I took some rest, and I uh, started again to prepare for uh, group one for December attempt. Okay. And a uh, few days after uh, the results, uh, your team had called me. I, actually, I filled the form for uh, the discount uh, classes from you only. Okay. Uh, one of your uh, sir called and uh, he also helped me a lot uh, by uh, giving the guidance. Okay. After that, in December attempt, I scored 53 mil in uh, okay. law only. Okay. But I lost in aggregate. Okay. So this time, again, I made my mind, uh, I focused and uh, I worked really hard. Now I.

तो फ्रॉम थर्टी टू थर्टी टू पे कहीं कही ना कहीं जब आपका रिजल्ट आया उसके बाद यू गॉट टच टाचव दास और आपने क्लासेस सब्सक्राइब uh, की थी और उसके बाद जो हमने जर्नी देखी है आपकी दैट इज एक्चुअली इंस्पिरेशनल एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू पर अभी भी मैं एक सवाल आपसे और पूछूंगी कि जब आपका वो रिजल्ट आया था हाउ डिड योर पेरेंट्स फील मतलब पेरेंट्स का क्या सपोर्ट था या फिर लगा कि उनको

ये yeah, do जो हर हर बच्चे को नोट करनी चाहिए अक्सर हम यही yes, सोचते हैं यार इसका हो गया मेरा नहीं हुआ तो हर एक की जर्नी डिफरेंट होती है uh, इस बार yes, आपको पूरा विश्वास था वह यू कॉन्फिडेंट कि नहीं इस बार तो मेरा हो ही जाएगा या डर लग रहा था yes,

तो this is natural, this is obvious. चलो, अब बात बात करते करते हैं भाई, main topic I mean, और, uh, करते हैं भाई। जो हमें में और इसमें पास होने के लिए भी तो wow. स्पेशल क्या किया बेटा ये बताओ कौन सी घुट्टी पीके गए थे व्हाट डिड यू डू मैम एक्चुअली कंसिस्टेंसी मैम Consistency. I, uh, I studied okay. the same topic from uh, first attempt to this attempt also. I studied. Uh, I followed the same method only, but I made some changes in writing uh, in the examination. Okay. The writing pattern. I followed your guidance uh, for case studies in uh, June attempt. I followed your guidance only. I saw on okay. YouTube video about case study. Okay. Followed the same thing, and uh, for uh, presentations also, I made some changes and all. Studies, uh, for 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 studies one one month month before before the examination I used to study for two hours a day uh, for law only morning okay matlab shuru kiya tha? One month before, uh, your exams दो घंटे डेडिकेट कर दिए थे फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट लॉ तो आप उसको कैसे प्रिपेयर करते थे मतलब एवरी डे यूर रिवाइजिंग यूर रिकॉलिंग बोल रहे थे लिख रहे थे क्या कर रहे थे आप Uh, uh, I didn't uh, complete the chapter without writing, ma'am. I used to write uh, some points and all. So, uh, and even I love writing. I love to write, ma'am. That's oh, why that's I, kept some, I kept some. You are blessed, book my dear. <laughs> for, I kept a separate book for uh, each and every papers Okay. So I uh, made some uh, points. And I used to follow the chart books, ma'am. Actually, I purchased the chart book from you. uh in March only. March, I think, ma'am. Okay. So that chart book also really helped me to. So you must have got some, uh, uh, all the books with the classes only. No, ma'am. Actually, uh, in uh, for December attempt, I took only that uh, e-books, ma'am. Okay, okay. Only now we don't provide uh, e-books, right, right, right. Yes, ma'am. After purchasing, uh, you told that, ma'am. Okay, okay, okay. I get it. So, again, for June 24, you got the hard copy of chart books, right? Chart book. Okay, okay. So, by using the chart book and uh, uh, materials, uh, study materials, I used to make uh, uh, many points, ma'am. Okay. Those points really helped me to perform well in the examination. ओके okay, ग्रेट तो तो जब आप क्लासेस करते थे तो जैसे मैं बच्चों को यूजुअली एडवाइस करती हूं कि आफ्टर क्लास आपको फर्स्ट रिविजन जो होता है वो आपको 24 के अंदर अंदर कर लेना चाहिए chapter, तो आप क्या के साथ -साथ करते थे? या छोड़ दिया था कि सारे क्लासेस पहले कर लेते हैं उसके बाद करेंगे <laughs>

12 वार्स लगा दिए थे है ना मैक्सिमम yes, 12 वार्स मैक्सिमम ma. 12 वार्स चलो बहुत yeah. बढ़िया बहुत बढ़िया तो हाउ मेनी टाइम्स डिड यू रिवाइज कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी दी थी क्या नो मैं हैव नॉट डिवेंट टेस्ट सीरीज़ एस्पेशियली फॉर लॉ ओनली अब ओनली फॉर डीटी एंड आईडीटी आई � earlier for uh, first and second attempt uh, uh, i only did a uh, uh, single revision one okay. one for completing the syllabus hmm. and 1.5 days before the examination i did one revision for okay. this time i did three revisions along with the 1.5 day revision okay so uh, do bar aapne revision pehle hi kar liya tha and one revision just before the exam so 1.5 day aapko milta hai whatever it is right yeah.

I did the revision for law only, ma'am. Okay. From, uh, uh, from my from my home hometown to Bangalore. Okay. For example. How did you How do you travel? How do you commute? Train, uh, train only. Man. Train se. Okay. Yes. Okay. So this is another golden piece of advice. I would say that बहुत सारे बच्चे complain करते हैं यार मैम time नहीं मिल रहा time नहीं मिल रहा तो देखो time निकालना पड़ता है और इस तरीके से निकालना पड़ता है बहुत ही अच्छी बात है ये कि आपको जो ट्रेन जर्नी का टाइम मिल रहा है कि आप अपने होम टाउन से जा रहे हो बैगलोर फॉर योर वर्क और उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो एंड लॉ इज वन सच सब्जेक्ट जो हैंडी रहता है थोड़ा सा ठीक है यू ऑलवेज डोंट नीड एन एलेबोरेट पेन एंड पेपर की नहीं बैठ के सॉल्व भी करना है समटाइम्स यू कैन ऑलवेज रीड इट राइट तो आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो सो थैंक यू फॉर दैट एंड एक्चुअली थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू मेंटर यू

But you should do on uh, what you can है ना तो प्रेजेंट में रहना है और अपना गाम करना है। इसमें I used to follow that one mantra in Bhagavad Gita, तरह but I don't uh, uh, remember that I know the meaning of that। it's it's okay please uh, go ahead and share। तो कर्मण्येवादी का रस्ते only I can tell that much no, but no, I follow no, the no. advice from uh, that statement। okay okay no problem thank you thank you so much tejas it was really nice interacting sure. with you wish you all the very best so for much. the next group and wish you all the success sure. ahead thank you okay thank you tejas. thank you so much sir. thank you thank you, thank you.